प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी, अमर प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी, देखे इनकी जोश रवानी, होगी तुमको भी हैरानी, किसी आही से लिखते किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, ओ लाल रेखा, लाल रेखा, ओ लाल रेखा, लाल रेखा। ये तो बहुत गलत हुआ, यदि लोगों को पता चलेगा कि शादी के दूसरे दिन बहू घर छोड़ के चली गई है तो लोग क्या कहेंगे? अकेले आई है, जुवाई नहीं आए? तुम मुझसे तो नाराज होके आए थे ना, तो मैं तो मनाऊंगा। अब तुम्हारे पैर नहीं छूंगा तो तुम मेरे साथ वापस तो चलोगी नहीं। जुवाई और मानसी यहीं पर ही है। मैंने जुवाई को बोला है, गौर उठा की रस्म के बाद मानसी वापस उनके साथ घर जाएगी, तो कल आप लोग आ रहे हैं ना? नमस्कार, नमस्कार, आइए आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब ये बताइए, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कैसी बातें कर, आप लोग के घर आने में भला कोई तकलीफ होती है? ए डैड, ए मॉम, लीजिए, हमारा बेटा अपने ससुराल में हमारा स्वागत कर रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि अब वो हमारा बेटा हो गया है। बाबा, मानसी कोटा से कहाँ गई है? खुश रहो। भाभी, आप हमें छोड़ के क्यों चली आई? आपको पता है, भैया के इर्द गिर्द मंडराने वाले सारे बिना खुशबू के कागज के फूल थे। भाभी, सिर्फ आप ही तो हैं जो उनकी जिंदगी में खुशबू ला सकती है। ये खुशबू ही नहीं, ये तो बहार है उसकी जिंदगी। खुश रहो, खुश। ससुर जी, एक दिन मैं आपके इन कदमों को सही रास्ते पर लाकर रहूंगी, ये मेरा खुद से वादा है। आइए भी आइए, आओ
बहू, अब बेटा तुम्हारे एक नहीं दो दो डैडी हैं। अरे बेटा एक, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे बेटा इन्हें भी जरा खिलाओ, देखो उनकी प्लेट खाली पड़ी है। बस बस मोर हो ही गए, बहुत स्वादिष्ट खाना बना। खूब नजरअंदाज कर लो, पर मुझे भी मेरी कसम याद है जस्टिस निर्मल बोरदोलोई। पता है आईजोनी, हमारे जमाने में कहा करते थे कि अगर लड़की ससुराल में ना बसी तो कहीं नहीं बस सकती। पर एक मां होने के नाते ये सब पुरानी बातें मैं तुझसे नहीं कहूंगी। तू तो जानती है मेरा विचार क्या था। पर देव की बात से एक बात तो समझ में आ गई, जो भी होता है विधाता की मर्जी से होता है। जिसे हम ठुकरा नहीं सकते। हाँ माँ, मैं आपकी बेटी हूँ और आप जैसा ही सोचने का कोशिश करते हो। आप एकदम चिंता मत कीजिए, मैं आपका मान कभी गिरने नहीं दूँ। वहीं की हो जाती हो। अच्छा तूने कितनी बार याद किया हमें, और जब तेरी शादी होगी तब तुझसे हम ये सवाल पूछेंगे। अच्छा तो अपनी जगह अपूर्वा बा को छोड़ दो। क्यों भाई, आपके घर में एक बेटी के बदले दूसरी बेटी छोड़ने का रिवाज है क्या? अच्छा एक काम करते हैं, अपूर्वा बा की शादी हमारे नपुंसक से करा देते हैं। मैं कर लूँ मैं शादी। निर्मल जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, तो आपकी कृपा से आज हमारी बहू वापस घर लौट रही है। आप इत्मीनान रखिए, आइंदा से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस आप हमारा थोड़ा ध्यान रखिए, यही गुजारिश है आपसे। माफ कीजिएगा, सौदा हो जाने के बाद फिर किसी गुजारिश के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। आपने मेरे साथ सौदा किया है, सौदा, और आज मैं भी आपके साथ एक सौदा करता हूं। जब तक मुझे इस बात का यकीन नहीं हो जाता कि मेरी बेटी आपके घर में पत्नी का सुख पा रही है और खुश है, तब तक मेरे साथ अपने लिए किसी काम की कोई उम्मीद ना रखे। नमस्कार। Thank you.
न्याय जूनी का ध्यान रखना। बधाई हो शरद बाबू, बॉल फिर अपने कोर्ट में आ गई है। अरे मैं तो ये सोच सोच के कितना एक्साइटेड हूं कि रियल एस्टेट की दुनिया में हमारा नाम ऐसा चमकेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। तुम यार हर बात पे उछलने लगते हैं। अरे जज निर्मल कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, हाई कोर्ट का जज है वो, उसके दिमाग में क्या चल रहा है पहले ये जानना होगा। अरे बहू को उसने वापस भेज दिया है, मतलब सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है। आते समय उसने जो धमकी दी सुना ना तुमने? अरे अरे तो इसमें परेशानी की क्या बात है? हा? जज ने कौन सा बड़ा पहाड़ मांग लिया? अरे बहू को लाया है तो बेटे से उसका मिलन नहीं कराएगा? ऐसे काम नहीं चलेगा, कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। वाओ, किसने बनाया? मम्मी ने? मैंने बनाया, माने नहीं। तुमने? पढ़ाई के बीच में ये सब कब सीखने का मौका मिला? मुझे तो पेंटिंग के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। सब कुछ सोचता है, बस नियत होनी चाहिए। मतलब इंसान को जब जिम्मेदारी का एहसास हो तो वो जरूर वक्त निकाल लेता है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? जरूर पढ़ूंगी, साइकोलॉजी में एमए करूंगी। साइकोलॉजी क्यों? ताकि तुम्हारे कैरेक्टर को अच्छे से समझ पाऊं। अच्छा अपना हाथ देखो। लिया गया है, लिखा है जो वो ही होना है। खोया था जो उसे अब पाना है, पाया जो अब ना खोना है। वक्त का पहिया घूम के आया, किसने है रोका? तुम्हारी तकदीर की लाइन तो काफी स्ट्रॉन्ग है। सो तो दिख रहा है, पति है जो सीधे मुंह बात ही नहीं करता है। उंगलियां भी काफी खूबसूरत हैं, हथेली भी काफी सॉफ्ट है। अरे वाह, बहुत खूब। इतने दिनों बाद हुजूर को समय मिला है अपने खादिम की तारीफ में दो अल्फाज कहने की। सिर्फ हाथों के बारे में ही सही? जरा नवाजी के लिए शुक्रिया। ए स्वीटहार्ट, आई एम सॉरी बाबा,
हाँ स्वीटहार्ट, सॉरी वो फोन कट हो गया था। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, वो सॉरी यार वो एग्जीबिशन के उस पर बिजी था। या यू नो आई लव यू। अरे आई एम सीरियस, एग्जीबिशन का काम चल रहा है इसलिए आई वाज बी एक्चुअली। हाउ डेयर यू, तुम्हें मेरा फोन छूने का किसने दिया? चिल्ला क्यों रहे हो? I'm your lawful wife. तुम्हें मेरा फोन छूने का किसने दिया? चिल्ला क्यों रहे हो? I'm your lawful wife. जरूर दोनों में कुछ कहा सुनी हो गई होगी। तुम्हारे साहबजादे को कितना भी समझाओ लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। ऐसे कैसे ये लोग एक दूसरे के करीब आएंगे, कैसे प्यार बढ़ेगा इन दोनों में? बेटे को कैसे समझाऊं कि पति पत्नी के मिलने से ही घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। आर्या की हरकतों की वजह से मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अब बेटे की शादी के पीछे आपका और मेरा नजरिया भले ही अलग हो लेकिन मकसद तो एक ही है ना, कि दोनों का घर बसे। कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे मानसी और आर्या हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाए। पेन दीजिए, दीजिए, लाइए, बताइए क्या लिखना है आपको। क्या लिखूं क्या ना लिखूं मेरी कुछ समझ में नहीं आता। मैं सोचता हूं कि ये सब ऊपर वाले का लेखा जोखा ही तो है, उसी का तो अंतर है। जज साहब आपकी बातें ना मेरे सर के ऊपर से जा रही है, जरा विस्तार से समझाएंगे? देखो ये जो हमारे परिवार में अभी तक हुआ है और आज जो कुछ भी हो रहा है ये सब लेखा जोखा ही तो है। अच्छा तो श्रीमान जज साहब अपनी कागज कलम से ईश्वर की लिखी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। अब बस ऐसा ही कुछ समझ लो, तुम ही सोचो मैं कुछ गलत कह रहा हूं। नहीं आपकी बात ना बिल्कुल सही है, मैं भी कभी कभी इस बात से खुद हैरान हूँ कि हमारी आईजोनी के लिए देवू ने बहुत बढ़िया रिश्ता लेकर आए, और जब भी आईजोनी के परिवार में समस्याएं आई तो खुद उन्होंने उचित ठहराया। बस यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, और फिर से हमारी आईजोनी को उनके घर में भेजने का आदेश भी दे दिया, इसी बात की चिंता है मुझे। पता नहीं मेरी आईजोनी उस घर में कैसी होगी। आपको पता है मेरी आई क्या कहती थी? क्या कहती थी? भगवान हमारी विनती सिर्फ एक ही सूरत में नहीं सुनते, जब हम भगवान को विनती भी करते हैं पर फिर भी वही चिंता लेकर बैठ जाते तो भगवान जी कहते हैं कि जब तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो मैं तुम्हारी विनती क्यों सुनूं। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, मैं तुम्हारा इशारा भी समझ गया। तो एक बात ये भी सुन लीजिए, हमारी बेटी ऐसे ही उस घर में नहीं गई थी, खुद जुवाए बाबू लेने आए थे उसे। बस इसी वजह से मैं निश्चिंत हूँ
वरना मैं उनके परिवार में हलचल मचा देता अब तक। अरे 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 जज साहब, इतना गुस्सा मत कीजिए। पता है ईश्वर ने इस लोक का लेखा जोखा आपके हाथ में सौंपा है, पर उसके लोक भी तो वही जाने। अब मैं क्या बताऊं, तुम मेरी हर चिंता का हल हो। अब एक हल ये भी सुन लो, बहुत जल्द हमारी आई जोनी एक बढ़िया सी खुशखबरी देने वाली है। ओ, तो ये बात है। अरे वाह। तो फिर यहाँ रहने के लिए कोई जगह मिलेगी क्या? क्या हुआ, तुम मुझे ऐसा घूर क्यों रहे हो? लिखा है जो वो ही होना है, खोया था जो उसे अब पाना है, पाया जो अब ना खोना है। वक्त का पहिया घूम के आ